एनटीए जिन परीक्षाओं को कराता है उसमें से कई परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है और कई का रिजल्ट रुका हुआ है। उसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो सीयूईटी यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने। 13 लाख लगभग छात्रों ने परीक्षा दी थी सीयूईटी यूजी की, और ये दोनों ही मोड में एग्ज़ाम हुआ था, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। लेकिन रिजल्ट 30 जून को आना था, संभावित तारीख थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। रिजल्ट ना आने से पूरा बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, और एकेडमिक कैलेंडर जो है वो जो लागू होना था इसकी वजह से सत्र जो है वो भी लेट हो जाएगा। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार भी सीयूईटी का जो रिज़ल्ट है, इस बार एनटीए चूँकि इसको भी एनटीए ने ही कराया था तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ पाया है, तो कितनी मुश्किल हो रही है स्टूडेंट्स के सामने एडमिशन लेने में। अब तो सब कुछ लेट हो गया, एडमिशन नहीं होगा तो आगे का सत्र ही लेट होता जाएगा। देखिए मैम, स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून के लास्ट वीक तक उनका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था सीयूईटी यूजी का, और हर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना एकेडमिक कैलेंडर तैयार करके बैठी हुई है कि जून लास्ट के वीक में रिज़ल्ट आना था, और उस हिसाब से अपनी एडमिशन प्रोसेस को वो भी कर रहे थे और अपना एकेडमिक कैलेंडर बना चुके थे। लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है तो इससे यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर पर तो प्रभाव पड़ेगा, बल्कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को कम समय मिलेगा। जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स को समय चाहिए, और अगर आप कम समय स्टूडेंट्स को देंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एनटीए जैसी संस्था जो बिल्कुल विश्वसनीय मानी जाती थी पहले, तो उस पर पहले ही प्रश्न चिन्ह उठ चुका है, और अब अगर बात कर रहे हैं सीयूईटी यूजी में भी कुछ ना कुछ ऐसा अगर होगा तो स्टूडेंट्स पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स वैसे ही एनजाइटी का शिकार हो रहे हैं, और सीयूईटी यूजी के स्टूडेंट्स भी बुरी तरह प्रभावित हैं इस रिज़ल्ट से देरी में। बिल्कुल, आपकी सिस्टर ने भी एग्ज़ाम दिया था इस बार और रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, और चूँकि सेमेस्टर है अब तो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स तो अपने टाइम पर शुरू होंगे। दिसंबर में सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, कितने दिन तक पढ़ाई कर पाएंगे, कब एग्ज़ाम देंगे, कितनी मुश्किल हो रही, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए क्या है कि हमारे घर का भी माहौल कुछ इस तरीके से भी बना हुआ है कि कब स्टार्ट होगा, कब कॉलेज जाएंगी, और कब क्या है कि स्टूडेंट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको ढलने के लिए 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं, उस वातावरण में ढलने के लिए उसको 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं। तो जब वो इस विश्वविद्यालय में आएगा तब तक उसके एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो या वो ढलेगा या एग्ज़ाम देगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और एकेडमिक कैलेंडर की हम बात करते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय अपना एकेडमिक कैलेंडर तैयार करके बैठा हुआ है, लेकिन जो एनटीए है वो अपना रिजल्ट जारी नहीं कर रही, जिस वजह से विद्यार्थी के खुद में एक एनजाइटी का शिकार हो रहा है। जैसा कि अभी बताया गया कि ये बहुत वास्तविक चीज़ है कि एनजाइटी का शिकार हो रहा है, तो इस पर सोचना चाहिए थोड़ा एनटीए। क्योंकि 12th का एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट्स आते हैं यूजी में, एडमिशन्स लेते हैं, देश भर के विश्वविद्यालयों में एडमिशन होना है, तो 12th के बाद एक तो पहले ही ये बहुत उनके लिए एक नई जगह होती है, बहुत नया सब कुछ होता है, ऐसे में अगर लेट हो रहा है तो कितनी दिक्कत होगी? देखिए हम भी आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हमें भी बहुत दिक्कतों का सामना हुआ था, हम उसी रूप से उनको देख रहे हैं जो आएंगे तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना होगा। विश्वविद्यालय में आना, उसके बाद टीचरों के साथ, उसके बाद कॉलेज में ढलना, प्रोफेसरों से मिलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक विद्यार्थी के ऊपर हो जाता है। उसके बाद ये लेट रिज़ल्ट आना, उसके बाद वो घर में बैठा है विद्यार्थी, उसका वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी है। तो एनटीए को जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए, और अगर जारी नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण भी बताना चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। अगर जुलाई में होने वाला था, सॉरी जून में एंड में होने वाला था, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, आज तो 2 जुलाई हो गई है, तो इस पर सोचना चाहिए एनटीए को। अभी तक कोई भी डेट भी नहीं आई है कि किस तारीख को जारी होगा। आपका नाम क्या है ये बताइए, और चूंकि इस बार एनटीए तमाम परीक्षाओं को लेकर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो एनटीए ने जो एग्ज़ाम्स कराए हैं वो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो या फिर यूजीसी नेट, तो उसने रद्द ही कर दिया, नीट पर तमाम सवाल पहले ही खड़े हो रहे हैं, इन सब की वजह से फंस गया है तो सीयूईटी का स्टूडेंट, उसके लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जी मेरा नाम प्रबल है, मैं अभी आपके हंसराज कॉलेज से पास आउट हूँ, अभी मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपने बताया कि नीट के कारण जो उन्होंने अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं वो आपके नीट हुए, वो आपके यूजीसी नेट हुआ, तो उसके कारण तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो कर ही रहे थे। लेकिन जो अपनी सीयूईटी पीजी यूजी की बात आ रही है, तो
एक होता है एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर जब डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे स्टूडेंट को क्या इशू आ रहा है कि जो हमारा एनईपी अभी लागू हुआ है उसमें क्या है कि स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और बहुत ही कम टाइम में उस 7 सब्जेक्ट को उन्हें कवर करना है, जो कि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा एक प्रेशर होगा और जो टीचर्स होंगे उनको बहुत ही कम टाइम मिलेगा उस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, जिससे स्टूडेंट कुछ सीख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। एक तो बहुत बड़ा इशू ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि एनटीए जो रिजल्ट डिले कर रहा है वो उन्होंने जो अपने 2-3 जो उनको वो नीट हुआ या आपके नेट हुआ जो उन्होंने वहाँ पे डिस्टर्बेंस की है उसके कारण जो ये प्रभाव आ रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ा विषय है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय हर एक जो छात्र होता है जो 12th के बाद ग्रेजुएट होता है उसका एक सपना होता है कि मैं जाके दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी ग्रेजुएशन करूँ, बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो ये इशू जो एक स्टूडेंट के साथ हो रहा है ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर जी बहुत गंभीर विषय है। और छात्रों के लिए चूँकि 12th का एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो तो टाइम से आ गए, अप्रैल में आ गया, कुछ का मई में आ गया, लेकिन आगे जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की बात आ रही है तब इतना लेट हो रहा है। और ग्रेजुएशन चूँकि यहाँ से एक नया पड़ाव शुरू होता है, करियर का भी एक तरफ दबाव है, दूसरी तरफ पढ़ाई ग्रेजुएशन कर में भी अच्छे मार्क्स लाने का दबाव, और एनईपी है की वजह से सेमेस्टर सिस्टम लागू है, इन सब के बीच में अगर एकेडमिक सेशन लेट हो जाएगा तब कितनी मुश्किल होगी। नाम मेरा नाम संजय सिंह घोषी है, मैं हिंदू महाविद्यालय का स्टूडेंट हूँ 2nd ईयर का। तो जो आपने बताया कि सेशन ये एनटीए का रिजल्ट लेट आने से इससे सेशन पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, सेमेस्टर लेट होने का सबसे बड़ा असर जो होता है वो स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं अभी 2nd ईयर का हूँ, मेरा फर्स्ट बैच था CUT वाला, हमने देखा कि कैसे हमने एकेडमिक कैलेंडर अभी हमारा 1.5 साल में 2 साल का एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो गया है। एक साल 7 महीने में हमारे लगभग 2 साल का सेमेस्टर पूरे 2 साल का कोर्स कम्प्लीट करवा दिया गया है। तो अब यही सेम प्रॉब्लम अगर एनटीए अपने रिजल्ट में देरी करती है तो सेम प्रॉब्लम आने वाला जो बैच है उसके ऊपर पड़ेगी। जैसा दीदी ने बताया कि स्टूडेंट को ढलने में अपनी एक नई जगह से, DU का सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें देश के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं, देश के कोने कोने से स्टूडेंट आने वालों को एक नया माहौल में ढलने में बहुत समय लगता है। उसी समय में DU में एक जो सबसे बड़े DU अपने इलेक्शन के लिए जाना जाता है तो उस टाइम पर भी ये स्टूडेंट के सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, इससे वो अपना एकेडमिक पूरी तरह से खो देगा, एकेडमिक के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाएगा, तो सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा। दूसरा ये है कि NTA कहीं ना कहीं अपना नेट और नीट की ये जो परीक्षाओं में उसने गड़बड़ी हुई है उससे उसको छिपाने के चक्कर में, उसके पूरे इधर उधर करने के चक्कर में उसने नीट और UG वाला ये सिस्टम भी पूरा गड़बड़ा दिया है, तो एक तरह से वो संभाल नहीं पा रहा है अभी। अच्छा, कोविड में सेशन लेट हुआ था एक बार और अब सेशन इस बार भी लेट हो रहा है। कोविड में बड़ी मुश्किल से कवर किया था स्टूडेंट्स ने और बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर्स ने एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ा के एक्स्ट्रा टाइम काम करके सैटरडे संडे भी क्लासेस होती थी तब जाके कवर हुआ था। अब कितना प्रेशर होगा? मैम अभी भी प्रेशर उससे दुगना हो जाएगा क्योंकि एक तो स्टूडेंट को ये आना पड़ेगा डेली का, अभी ऑनलाइन में तो ऐसा कि चलो अपने घर से कम कर लेता था, बट अभी क्लासेस के लिए रोज़ आना, एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहेंगी, नया माहौल, और इसके साथ साथ फिर जैसे भैया ने बताया कि एक दो नहीं पूरे अब 7 सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और 7 सब्जेक्ट को 1-2-3 मुश्किल से अभी DU में हमने अपने खुद में 4-4 महीने का सेमेस्टर देखा है, जिसके लिए मिनिमम कम से कम 5-6 महीने का टाइम मिलता है, वो विद एग्ज़ाम 4 महीने में पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। तो 7 सब्जेक्ट को 4 महीने में कंप्लीट करना, उसके साथ साथ स्टूडेंट को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी CGPA किस हिसाब की बन रही है, क्योंकि जो NAP आया है NAP 4th ईयर का, जो 4th ईयर तभी कर सकता है स्टूडेंट, 4th ईयर उसके लिए बेनिफिट तभी देगा जब उसकी 7.5 CGPA से ऊपर होगा, तो उसको अपने CGPA का एकेडमिक ये भी देखना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी स्टूडेंट को। एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखना है कि अच्छे मार्क्स मिलते रहें। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है CUET UG के स्टूडेंट्स के साथ, 13 लाख छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और देश भर के विश्वविद्यालयों में उनको एडमिशन लेना है, वो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं और CUET से इस बार तमाम प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी वो भी ले रहे हैं छात्रों का एडमिशन वहाँ भी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी उन वहाँ भी छात्रों का एडमिशन लेना है। तो तमाम विश्वविद्यालय जो इंतज़ार कर रहे हैं CUET का रिजल्ट का, और उस छात्र तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए और कब एडमिशन प्रोसेस शुरू करें। रिजल्ट ना आने की वजह से एक तरह से कहेंगे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ, कुछ नहीं पता है कब नतीजे आएंगे, कब एडमिशन लेंगे और कब आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।